मूवी पे ध्यान नहीं दिया यार मैंने, एकदम बढ़िया थी फिल्म, बढ़िया थी, क्या अच्छा था फिल्म में, फिल्म में हीरो भी अच्छे। मैम कैसी थी मूवी, कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। पैसा वसूल है, पैसे वसूल सब बढ़िया, स्टोरी भी अच्छी थी, बोर्ड किया नहीं, बहुत नंबर एक की थी। अच्छा, फिल्म में बोर किया कहीं नहीं? कैसी लगी मूवी सर? ठीक थी, ठीक थी, बहुत अच्छी फिल्म थी सर, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी थी, आज के जमाने के हिसाब से एक नंबर फिल्म। देखनी चाहिए सभी को, सभी को देखनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। सर कैसी थी मूवी? ठीक ठाक, मज़ेदार सी फिल्म कह सकते हैं इसको, मतलब एक फैमिली इंटरटेनर फिल्म है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, इंटरटेनमेंट तो किया फिल्म ने, मज़ा भी आया फिल्म में, तो मैं कहूँगा कि देखी जा सकती है इस फ्राइडे, क्योंकि एक फैमिली फिल्म है, मैं समझता हूँ फैमिली के साथ इस फिल्म को देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा बजा अकेले देखने के। हालांकि मैंने एज ए इंडिविजुअल अकेले ही देखी है, मैंने किसी के साथ में नहीं देखी है फिल्म, ना ही अपनी फैमिली के साथ में देखी है। मैं मॉर्निंग का शोज़ ही यूजुअली मैं देखता हूँ, फर्स्ट शो तो मॉर्निंग के शो में वैसे भी कोई फ्री नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरा प्लान बनता है जाने के लिए फिल्म को, तो मैं फैमिली के साथ ज़रूर इस फिल्म को दोबारा भी देख सकता हूँ, क्योंकि फिल्म कोई बड़ी नहीं है, फिल्म की लेंथ भी छोटी है, ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल एक एंटरटेन करती है फिल्म। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उन्होंने अच्छा काम किया, बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और आनंद एल राय ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है, जिस तरह से स्क्रिप्ट बनाई है, स्क्रीन प्ले जो हम जिस तरह का देख रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह और वो सारी चीज़ें जिस तरह से करेक्ट कर रही है फिल्म, काफ़ी बढ़िया ढंग से क्रिएट किया है फिल्म को। अच्छा, फिल्म इमोशनल करती है सर जी? काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करती है, बिल्कुल इमोशनल करती है। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूँ कहानी को लेकर, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। कहानी देखिए, सभी को पता है कि अपनी चारों बहनों को कि मतलब अपनी बहनों की शादी करना चाहता है, वो उनको पाल भी रहा, उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो खुद भी एक लड़की से प्यार करता है, जो भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर है, कि उससे प्यार करता है, वो शादी करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है, फैमिली के एक तरह से बहनों का बोझ की तरह माना जाता है ना कि शादी करना है, वो सब करना, तो वो टिपिकल जो हमारे यहाँ माना जाता है उस तरह वो चीज़ें बताई है, वो बताया, तो उसके बीच से कॉमिक सिचुएशंस पैदा की गई है, ठीक है, कॉमेडी के थ्रू कॉमिक सिचुएशंस पैदा की गई है, उस सिचुएशन को लेकर आमिर, ये जो हमारा अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, उनके थ्रू ये सारी बताया गया है। तो फिल्म में क्या है कि बढ़िया ढंग से क्रिएट किया, शुरुआत में जो हम देखते हैं फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का, उसमें कॉमेडी वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, सेकंड हाफ में हमको इमोशन ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करता है, और मतलब बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से कैरेक्टर मतलब क्रिएट किया गया सब कुछ, और कॉमेडी और इमोशंस का जो चीज़ है ना, उसको जो मिक्सचर किया है आनंद एल राय ने, बहुत बढ़िया ढंग से किया, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया फिल्म के अंदर। फिल्म का डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक जी, बिल्कुल बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, उतना अच्छा नहीं कहेंगे, एचआर से मुझे उम्मीद थी कि हिमेश रेशमिया का म्यूजिक तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, गाने भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, उतने अच्छे नहीं देखने को मिले। अब क्या है कि हम उनका वो पुराना दौर याद कर लेते 2005-2007 वाला, तो वैसा उतना अच्छा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी गाने भी अच्छे और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा। 5 में से कितने स्टार? 5 में से मैं जो है फिल्म को 3.5 स्टार।